और अब खबर हरिद्वार से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिए गए थे। इसी को देखते हुए हरिद्वार जिले में जिला प्रशासन और पुलिस ने तमाम धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में ये देखिए तस्वीरें, कार्यवाही लगातार जारी है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से ये कार्यवाही। माननीय उच्च न्यायालय का इसमें एक निर्देश आया है कि जिसमें जो भी सार्वजनिक प्रतिष्ठान या कोई धार्मिक स्थल हैं उनसे जो भी प्रसारण होता है उसकी एक ध्वनि की सीमा लिमिट उसमें लगाई गई है, जो कि शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, रिहायशी इलाके और कमर्शियल इलाके, जिसको बोलते हैं साइलेंस जोन, कमर्शियल जोन, रेजिडेंशियल जोन एंड इंडस्ट्रियल जोन, इसके लिए अलग अलग सीमा निर्धारित की गई है। इस सीमा का पालन कराने के लिए और लाउड स्पीकर के अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी में गुलदार को किया गया नरभक्षी घोषित। गुलदार को मारने के लिए शिकारी तैनात किए गए। 2 जून को गुलदार ने महिला को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से लगातार गुस्सा दिखाई दे रहा था ग्रामीणों में। और इसी कड़ी में अब देखिए बड़ा अपडेट है, गुलदार को नरभक्षी घोषित किया गया है। गुलदार को मारने के लिए शिकारी तैनात किए गए। 2 जून को गुलदार ने महिला को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और वन विभाग पर कई आरोप लगाए जा रहे थे लापरवाही के। लेकिन इस बीच अब ये कदम उठाया गया है, गुलदार को मारने के लिए शिकारी भी तैनात किए गए। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को चंपावत उपचुनाव में प्रचंड जीत के लिए बधाई दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री को पौधा भी गिफ्ट किया। उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं आप। देखिए विधानसभा स्पीकर पहुंची हुई थी मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। पर्यावरण दिवस का आज मौका है, उस मौके पर उन्होंने एक पौधा भी दिया है। और अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। दरअसल 14 जिला पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। कल देर रात डीएम ने जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत की। जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने की मांग की गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से भारी बहुमत से जीतकर कामकाज संभाल चुके हैं, एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग जिले में भाजपा से अधिकृत जिला पंचायत सदस्यों ने पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजूनाथ टीसी के फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है। मामले में एसएसपी ने पुलिस कर्मी को सस्पेंड भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर की पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मी राकेश सिंह ने 14 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए अपने प्रार्थना पत्र पर एसएसपी के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए और उस प्रार्थना पत्र को पुलिस लाइन में जमा भी कर दिया। हालांकि वो पकड़ा गया और उसके बाद अब उसे सस्पेंड किया जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।